हेलो नीट 2023 के एस्पिरेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है आप सबके लिए। CUET द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म रिलीज हो चुका है। मैं अर्ज करूंगी हर एक वो स्टूडेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन BSc पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आप ये फॉर्म दीजिए। हर एक वो ड्रॉपर जो दो या तीन बार ड्रॉप कर चुका है बट अनफॉर्चुनेटली अगर उनका नीट क्लियर नहीं हुआ है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम बिकॉज द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ आर कंट्री विच आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अंदर ग्रेजुएशन करने के लिए अब आपको CUET का एग्जाम जरूर देना पड़ेगा। आई विल टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स क्योंकि फॉर्म आज ही निकला है, फी डिटेल्स कैसे भरना है क्या करना है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी दैट इज टुडे टू 12th मार्च 2023 है अप टू 9 PM। आज से फॉर्म निकल चुका है, लाखों बच्चे इस फॉर्म को देंगे। आई अर्ज यू आप जल्दी फिल करिए इसे ताकि आपको आपके चॉइस का सेंटर मिल जाए। लास्ट डेट इज 12th मार्च, अपने बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले फॉर्म भर दीजिए, लास्ट में हबड़ा दबड़ी नहीं होगी। पर कोई भी पर्टिकुलर्स आपके जो करेक्ट करने हैं उनको डेट 15th मार्च टू 18th मार्च, सिर्फ 2-3 दिन की विंडो ही है, तो प्लीज बढ़िया तरीके से फिल कीजिएगा। एग्जामिनेशन की सिटी की अनाउंसमेंट 30th अप्रैल हो जाएगी जो आपने भरा है। एडमिट कार्ड आप 2nd वीक ऑफ मे आफ्टर योर नीट कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 21st मे टू 31st मे 10 डेज का डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। इन्होंने एक ऑल्टरनेट विंडो रिजर्व डेट्स की दी है जस्ट इन केस ये डेट अगर आगे पीछे हो जाती है। राइट आंसर की अनाउंसमेंट करेंगे। वेबसाइट इसकी नोट डाउन कर लीजिए जहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, CUET.samarth.ac.in। ये भी एक एग्जामिनेशन है जो NTA कंडक्ट करता है, रिजल्ट्स NTA बता देगा। CUET का एग्जाम CBT एग्जाम होता है, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 13 languages में test होता है because they want everybody to be equal. The rural urban students, the students who studied in local languages, everybody के पास access होना चाहिए top quality education का। Assamese, Bengali, English, Gujjo, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Oriya, Tamil, Telugu and Urdu. Right, syllabus इसका आपको अपने domain subject choose करने form में, class 12th वाले language choose करने है जिसका different types of passages वाला जो टेस्ट है वो होगा आपका, एंड जनरल टेस्ट जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक अरिथमेटिक एल्जेब्रा चेक होगा। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा बता रही हूँ CUET.samarth.ac.in। डेट्स दोबारा बता रही हूँ 21 to 31 मे, टेंटेटिव हो सकता है 1st to 7th जून हो जाए, ये डेट्स है। 3 स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन आपको बता दिया जाएगा। When you fill your form, section 1A languages का है, 1B languages का है, 13 languages में आपको एक choose करनी है, 20 languages में choose करनी है, 40 questions attempt करने हैं 50 में से। Section 2 आपके domain subject का है जो आप choose करेंगे, 27 domain subject आपको दे दिए गए हैं जिनमें से आपको choose करने हैं, 35 out of 40 questions आपने attempt करने हैं। सेक्शन 3 जैसा मैंने अभी बोला एक जनरल टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 60 से। राइट एवरीबॉडी, एंड यू हैव टू रिमेंबर आपको मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। बात करते हैं फीस की, जनरल अनरिजर्व्ड अगर 3 सब्जेक्ट्स है तो 750, 7 सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं तो 1500, 10 सब्जेक्ट्स चूज करेंगे बिकॉज उतने पेपर्स बनाने पड़ेंगे आप लोगों के लिए 1750। ओबीसी की फीस है 700, 1400, 1650। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी ओबीसी के साथ लगा दिया गया है। एससी एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर 650, 1300, 1550, फीस में डिफरेंस है। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया की फीस काफी ज्यादा है, 3750, 7500 फॉर 7 सब्जेक्ट और 10 सब्जेक्ट के लिए 11000। राइट, देखिए कितना इन्होंने अच्छा किया है, हर एक लैंग्वेज के एग्जामिनेशन सेंटर्स उन स्टेट में दे दिए। अगर आप तेलुगु में एग्जाम लिखना चाहते हैं तो आंध्रा एंड तेलंगाना, अगर आप तमिल में लिखना चाहते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आप कन्नड़ा में लिखना चाहते हैं तो आपको कर्नाटका के सेंटर्स में मिल जाएगा। तो फटाफट आप वो CUET वाली वेबसाइट पे चले जाइए और वहां पर जेनरेट करने लग जाइए अपना एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आप जाइए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए, इसको भी आप लोगों ने संभाल कर रखना है। पर्सनल डिटेल्स भरिए, राइट, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन नंबर को आपने संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। आपको पता होगा आपने
यू नो कभी ना कभी फॉर्म कोई ना कोई भरा होगा, तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से हेंसफोर्थ। इज दैट क्लियर एवरीबडी? पर्सनल डिटेल्स भरने हैं आपने, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरनी है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन टेस्ट पेपर डिटेल्स, कब चूज कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कौन सी एग्जामिनेशन सिटी, और अपने डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने इनका जो ब्रोशर है मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन, उसने एग्जैक्टली बताया ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा चाहिए, एससी सर्टिफिकेट कैसा चाहिए, वो सारी चीजें आप रेडी रखिए। आपको पता ही है आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, राइट? जो आपकी फोटोग्राफ है वो 10 KB to 200 KB साइज की होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका 4 KB to 30 KB होना चाहिए, स्कैंड कॉपी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रखनी है, और स्कैंड कॉपी आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी की रखनी है। फी पेमेंट इन्होंने बहुत सिंपल करी है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, हर जगह से आप फीस जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, राइट? कंफर्मेशन तभी होगा जब आपने फीस पेमेंट कर दी, ये भी सबको पता ही है, राइट? और आप आराम से जाकर अपनी फीस पे कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जब भी आपका एक बार पेज कंफर्म हो जाए, प्लीज इंश्योर कीजिए आप उसकी एक कॉपी को डाउनलोड सेव कर लो। अगर घर में प्रिंटर है या बाहर जाके आप प्रिंट करवा सकते हो, प्लीज उसको एक बार प्रिंट करवा कर भी रख लो। वन सेकंड के लिए आई विल शो यू द वेबसाइट। ऑल्दो आपने, जैसे मैंने आपको बोला, आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ये आपके सामने इसकी वेबसाइट है। अगर आप ऊपर जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, देखिए आज अनाउंसमेंट भी आ रहा है, आप ऊपर जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, राइट एवरीबडी? ये देखिए रजिस्टर का लिंक है, आप इसको क्लिक कीजिए। मैंने आपको बोला CUET UG 2023 करिए, जैसा मैंने आपको बताया वैसे करिए। CUET.samarth वाली वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जैसे जैसे जो भी फॉर्म आएगा, MNS का आएगा, एम्स नर्सिंग का आएगा, MSCET का आएगा, KSET का आएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। फ्री में बायो वालों का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, हैंडमेड नोट्स चल रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर कीजिए। टेस्टिंग वगैरह तो बहुत इस प्लेटफॉर्म पे चलती है, यहाँ पर होती है पढ़ाई, वो भी फ्री में, और सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उसके भी वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लीज जाइए और वो वीडियोस को चेक कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जल्दी फॉर्म फिल कीजिए। बाय बच्चों।